हेलो नमस्कार मैं चेतन सिंह आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं कक्षा बारह के छात्रों के लिए यह यूट्यूब चैनल बनाई जा रही है सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं पाठ्यक्रम क्या है भौतिक विज्ञान का कक्षा बारह का इसमें एक थियोरी होता है और एक प्रैक्टिकल होता है आपका थियोरी ये सत्तर नंबर का होता है एक ही प्रश्नपत्र होता है और जो प्रैक्टिकल होता है वो तीस नंबर का होता है थियरी में आपको न्यूनतम तेईस अंक और प्रैक्टिकल में न्यूनतम दस अंक अर्थात तैंतीस अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होना रहता है इस सिलेबस को इस पाठ्यक्रम को दो खंडों में बांटा गया है आपको दो किताबों में भी इसको बांट दिया गया है आपके पूरे पाठ्यक्रम को पहले किताब को हम खंडका कह सकते हैं इसमें आपका विद्युत और चुंबक से संबंधित है और दूसरा जो खंड है इसमें प्रकाश परमाणु और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से संबंधित है हम इसे देख सकते हैं स्थिर वैद्युतिकी ये आठ नंबर का विद्युत धारा ये सात नंबर का धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व तो ये आठ नंबर का विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा ये आठ नंबर का विद्युत चुंबकीय तरंगें ये चार नंबर का अर्थात इस पहले खंड से कुल पैंतीस नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और जो दूसरा खंड है ये ऑप्टिक्स है प्रकाशिकी इसे तेरह नंबर का बहुत महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा अंक का है ये तेरह नंबर का द्रव्य की द्वैत प्रकृति चार नंबर का परमाणु तथा नाभिक छः नंबर का इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ आठ नंबर का और संचार व्यवस्था चार नंबर का और संभवतः संचार व्यवस्था इसे पाठ्यक्रम से निकाला जा रहा है और ये चार नंबर आपका ये इलेक्ट्रॉनिक और परमाणु नाभिक में वितरित हो जाएगा तो इस तरह से ये कुल पैंतीस नंबर का और आपका पैंतीस पहले खंड का कुल मिलाकर के आपका सत्तर अंक का थियरी का पेपर होगा आइए अब हम लोग अपने पाठ्यक्रम को शुरू करते हैं और पहले खंड को लेते हैं खंड का है हम लोगों का इकाई एक स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम देखते हैं कि इसमें विद्युत से संबंधित पढ़ना है अब विद्युत से संबंधित पढ़ने में सबसे पहले हमको विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है क्या होता है विद्युत आवेश आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा कि यूनान के महान दार्शनिक थेल्स ने अंबर नाम का एक पदार्थ था उसको ऊन पर रगड़ा और कागज़ जैसे छोटे छोटे हल्के टुकड़े तिनके इसके पास ले गए तो आकर्षित कर लिया लेकिन इनकी ये बात लगभग 2000 हज़ार तक ध्यान नहीं दी गई और कालांतर के बाद इंग्लैंड के गिलवर्ड ने अपना ये प्रयोग दोहराया और इन्होंने ये देखा कि अंबर ही नहीं अनेक ऐसे पदार्थ हैं जैसे कांच है आबनूस है गंधक है इस तरह से तमाम अन्य पदार्थ भी हैं जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है तो इस तरह से ये देखा गया कि घर्षण के कारण ये दो पदार्थों का जो रगड़ होता है घर्षण होता है तो इस घर्षण के कारण पदार्थों में एक गुण उत्पन्न हो जाता है जिसको हम विद्युतमय कह सकते हैं ये इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं ये पदार्थ विद्युतमय हो जाते हैं और जिस कारण से ये गुण उत्पन्न होता है उसको हम कह सकते हैं कि ये वैद्युत के कारण ये गुण उत्पन्न हुआ इलेक्ट्रिसिटी के कारण ये गुण उत्पन्न हुआ और इलेक्ट्रिसिटी का ये गुण जिस कारण से उत्पन्न होता है वो बताया गया कि चार्ज आवेश ये ग्रहण करने के कारण होता है मतलब जब दो पदार्थ आपस में रगड़े गए तो एक पदार्थ से आवेश निकल करके दूसरे पदार्थ में चला गया और इसी को हम कहते हैं वैद्युत आवेश तो वैद्युत आवेश के बारे में भी हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं और इस तरह से जो निष्कर्ष हम लोगों ने प्राप्त किया वो कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ आवेशित तभी होता है जब वह आवेश ग्रहण कर लेता है मतलब आवेशों के ग्रहण करने के ही कारण पदार्थ आवेशित होते हैं अब जैसा हमने बताया आपको कि जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं और आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो ये देखा गया कि जो कांच की छड़ है उस पर दूसरे तरह का आवेश आया और जो आबनूस की छड़ है इस पर दूसरे तरह का आवेश आया ये प्रयोग द्वारा ये करके देखा गया और जब इन दोनों छड़ों को आपस में लाया गया तो ये एक दूसरे के समीप आ गए इसका मतलब है कि इन दोनों में विपरीत आवेश है तो कांच की छड़ पर धनावेश और जो आबनूस की छड़ थी उस पर ऋणावेश आया और रगड़ने के कारण कांच की छड़ पर धनावेश तो इसको ऊन के साथ रगड़ा गया था तो ऊन पर ऋणावेश आया और आबनूस की छड़ पर ऋणावेश आया तो बिल्ली की खाल से इसको रगड़ा गया था बिल्ली की खाल पर धनावेश आया और जब इनको आपस में लाया गया तो देखा गया कि ये दोनों क्षण प्रतिकर्षित हो रहे हैं तो एक पर धनावेश था और दूसरे पर ऋणावेश था तो इस तरह से ये निष्कर्ष निकला कि आवेश ये दो प्रकार के होते हैं एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश जिसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्जेस और ऋण आवेश को कह सकते हैं निगेटिव चार्जेस और यह भी हम कह सकते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं मतलब समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है अब आइए देखते हैं कि इस पर इलेक्ट्रॉनिक थियरी हमारी क्या कहती है अब हम जानते हैं कि परमाणुओं में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं अर्थात परमाणु उदासीन होता है जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो वह परमाणु आवेशित हो जाता है और वो कौन सा आवेश उस पर होगा आवेश होगा क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकला है और धनावेश की अधिकता हो गई ऋणावेश की कमी हो गई तो इसीलिए निष्कर्ष निकलता है कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी से वस्तु धनावेशित होता है तथा इलेक्ट्रॉन की अधिकता से वस्तु ऋणावेशित होता है अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं वैद्युत आवेश का संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जैसा कि भी हमने आपको बताया कि जब कांच की क्षण को रेशम से रगड़ा गया तो जितने आवेश यह कांच की क्षण में धनावेश के रूप में प्राप्त हुआ उतना ही ऋण आवेश रेशम में ऋण आवेश के रूप में प्राप्त हुआ इसका मतलब कि आवेशित होने से पहले रेशम और क्षण कांच की क्षण का कुल आवेश शून्य था और आवेशित होने के बाद जितना क्षण धनावेशित है उतना ही ऊन ऋणावेशित है इसका मतलब अब भी कुल आवेश का मान कितना है जीरो है इसका मतलब ये हुआ कि आवेश को प्रोड्यूस नहीं किया गया आवेश को उत्पन्न नहीं किया गया या किसी दूसरे में आवेश को समाप्त नहीं किया गया नष्ट नहीं किया गया केवल ये इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से एक दूसरे पर घर्षण के कारण जाने के कारण ये उतना धनावेशित और उतना ऋणावेशित हो गया तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो टोटल चार्ज की वैल्यू होती है वो क्या हो गई ज़ीरो वो कांस्टेंट होती है वो निश्चित होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है यह वैद्युत आवेश संरक्षण नियम कहलाता है अब वैद्युत आवेश की हम लोग इकाई देखते हैं इसकी इकाई क्या होती है यूनिट क्या होती है वैद्युत आवेश की जो इकाई होती है इसे हम कहते हैं कूलाम कूलाम क्या है एमके एस पद्धति में वैद्युत आवेश का मात्रक है वैद्युत आवेश का मात्रक क्या कहलाता है कूलाम कहलाता है इसे किससे लिखते हैं सी से एम के एस पद्धति में वैद्युत आवेश का मात्रक ये कुलाम है अब ये देखते हैं कि एम के एस ए जो पद्धति है इसमें आपका मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया सेकेंड हो गया और ए एम्पियर हो गया इसमें कहीं कुल तो आया नहीं तो इसका मतलब कुलम जो है ये इसी ए पर निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है वैद्युत धारा पर वैद्युत धारा की परिभाषा आप जानते हैं जो मूल रूप से इसकी जो परिभाषा निर्धारित की गई है कि यदि निर्वात या वायु में स्थित दो सीधे लंबे व समांतर तारों में जिनके बीच की दूरी एक मीटर है एक ही विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तारों के बीच उनकी प्रति मीटर लंबाई में टू इंटू टेन टू पावर माइनस सेवन न्यूटन का बल उत्पन्न हो तो उनमें प्रवाहित धारा एक एम्पियर होगी ये एम्पीयर की परिभाषा हुई ए का और हम ये जानते हैं कि आवेशों के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं आवेशों के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं और एकांक सेकंड में प्रवाहित धारा ये आवेश कहलाती है तो इसका मतलब आवेश बराबर हो गया वैद्युत धारा गुड़े समय एकांक समय में समय को अगर एक कर दिया जाए तो आवेश किसके बराबर हो गया वैद्युत धारा के बराबर हो गया तो एकांक समय में प्रवाहित धारा ये आवेश कहलाती है आवेश का मात्रक आपका हो गया कूलाम वैद्य धारा का मात्र क्या हो गया एम्पियर समय का मात्र क्या हो गया सेकेंड तो एक कूलाम बराबर होता है एक एम्पियर सेकेंड इसे हम लिख सकते हैं वन सी इक्वल्स टू बी वन ए एस सी कुलाम को एम्पियर को और एस ये सेकंड को प्रदर्शित करता है तो इस तरह से हम कुलाम के लिए परिभाषा लिख सकते हैं कि अगर किसी चालक में एक एम्पियर की धारा एक सेकंड तक प्रवाहित तो होती है किसी चालक में एक एम्पियर की धारा एक सेकंड तक प्रवाहित तो होती है तो उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा एक कूलाम होगी क्योंकि हमने लिखा कि एक कुलाम बराबर एक एम्पियर गुड़े एक सेकेंड तो एक एम्पियर ये वैद्युत धारा अगर एक सेकेंड तक प्रवाहित होती है तो उस चालक में आवेश की मात्रा कितनी होगी ये एक कुलाम होगी आगे हम लोग जानते हैं फंडामेंटल चार्ज क्या होता है मूल आवेश और आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है क्वांटम नेचर ऑफ प्रकृति तो फंडामेंटल आवेश मूल जो आवेश होता है इकाई जो यूनिट होती है मतलब जैसे ये हुआ कि परमाणु परमाणु से मिलकर ही अणु बने अणु से मिलकर ही वो तत्व बनता है तत्वों से मिलकर के पदार्थ बनते हैं तो इस तरह से जो इकाई हुई वो परमाणु हुई इसी तरह से जब हम वैद्युत की बात करते हैं धारा की बात करते हैं तो उसका जो फंडामेंटल मान है वो आवेश है और आवेश के मात्रक को हम लोग किससे लिखे कुलाम से लिखे अब आवेश का एक ऐसा न्यूनतम मान होगा एक ऐसा छोटा से छोटा मान होगा जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते क्या नहीं कर सकते विभाजित नहीं कर सकते आवेश का वही जो न्यूनतम मान होता है वो मूल आवेश कहलाता है बाकी जितने भी आवेश होंगे प्रकृति में पाए जाने वाले जो भी आवेश होगा वो उसके इंटीग्रल मल्टीपल में होगा पूर्ण गुणज में होगा अगर हम इसको e से लिखते हैं स्मॉल e से लिखते हैं तो अन्य सभी जो भी आवेश होंगे उसे हम 1e, 2e, 3e, 4e, 5e एंड सो आन इस तरह से लिख सकते हैं कभी भी 1.7e नहीं हो सकता ज़ीरो पॉइंट फाइव ई नहीं हो सकता टू पॉइंट फाइव ई नहीं हो सकता क्योंकि ये पूर्ण गुणज नहीं है ये केवल ई के गुणज के रूप में ही पाए जाते हैं यही प्रकृति क्या कहलाती है इसकी क्वांटीकरण प्रकृति कहलाती है तो हम कह सकते हैं कि आवेश की छोटी से छोटी इकाई ई है अगर हम इसे से इसकी सूक्ष्म सूक्ष्मतम छोटी से छोटी इकाई को प्रदर्शित करें तो आवेश की छोटी इकाई ये ई है इसी इ आवेश को हम मूल आवेश कहते हैं ई आवेश को क्या कहते हैं ई आवेश को मूल आवेश कहते हैं वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता मतलब जो भी वैद्युत आवेश का विभाजन होगा वो पूर्ण गुणज के रूप में ही विभाजन होगा अनिश्चित रूप से ये आंशिक रूप से विभाजन इसका नहीं होगा आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुता कहते हैं यही आवेश का क्वांटीकरण की प्रकृति है जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है इसलिए हमने ऋण चिन्ह लिख दिया है माइनस ई प्रोटॉन का भी इतना ही आवेश होता है तो प्रोटॉन का आवेश हो गया प्लस ई कण अल्फा कण पर दो धनावेश होता है तो इसका मतलब ये हो गया प्लस टू ई जो आवेश का न्यूनतम मान होता है जो हमने ई से लिखा है जिसको हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं मूल आवेश कहते हैं इसका मान होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन कूला हमारे प्यारे छात्रों यह एक बड़ा ही इंटरेस्टेड और बड़ा यूनिट है अब ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था इस इंट्रोडक्शन में आवेश आवेश क्या हैं आवेश के प्रकार क्या हैं वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम क्या है और वैद्युत आवेश का मात्र गुलाम क्या है फंडामेंटल चार्ज क्या है और इसका क्वांटीकरण, क्वांटम नेचर क्या है ये हमने जाना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने कोर्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करेंगे गुलाम का नियम धन्यवाद